ये सारा गाइडेंस आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। क्या बोला जल्दी बताओ? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। उस समय ऐसा नहीं है, आप जो फोटोग्राफी पढ़ रहे हो डिजिटल वाली वो नहीं है कि भैया हम तो सेल्फी खींच लेते हैं। चीज अंदर राजा ने जहां जहां गोल्ड पहना वहां सच में गोल्ड दिखता था। कैसे? हाय हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको बताया कि हम रिवीजन सीरीज चला रखी थी हमने, और हम PYQs के थ्रू JEE एडवांस की तैयारी कर रहे थे, और JEE एडवांस की जो तैयारी हो रही थी उसके अंदर हमने सारे PYQs हर चैप्टर के कंप्लीट कर लिए हैं। और बीच में हमारे डिस्कशन में एक बात आई थी कि सर फोटोग्राफी पढ़ा दीजिएगा, तो आज वो फोटोग्राफी का हम स्टार्ट करते हैं। फोटोग्राफी, सबसे पहला सवाल फोटोग्राफी में आता है कि ये किस पर बेस्ड है। बोलो क्या आता है, किस पर बेस्ड है? पहला सवाल ही आ गया। तो फोटोग्राफी किस पर बेस्ड है, तो पहला सवाल का आंसर देना है, इट इज बेस्ड ऑन फोटो सेंसिटिविटी ऑफ सिल्वर हैलाइड। क्या बोलेंगे आप जल्दी बताओ? इट इज बेस्ड ऑन फोटो सेंसिटिविटी ऑफ सिल्वर हैलाइड। सर मजाक कर रहे हो हमारे साथ। मैंने कहा क्या हुआ? भाट इज फोटो सेंसिटिविटी। अरे फोटो सेंसिटिविटी का मतलब लाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट कर जाना, फोटो सेंसिटिविटी कहलाएगा। मतलब फोटो हो गया, सेंसिटिविटी मतलब आपका रिएक्ट कर जाना, फोटो मतलब लाइट होगी, फोटोन से आ रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, फोटो सेंसिटिविटी ऑफ सिल्वर हैलाइड। सिल्वर हैलाइड क्या होते हैं? सिल्वर हैलाइड होते हैं जैसे AGF, AGCL, AGBR, AGI, दैट इज कॉल्ड सिल्वर हैलाइड। मेनली उसमें से सिल्वर हैलाइड यूज होते हैं, और उसमें भी आपका सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, अब ये फोटोग्राफी जो हम पढ़ रहे हैं उस फोटोग्राफी के अंदर ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी है। क्या बोला जल्दी बताओ? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। उस समय ऐसा नहीं है, आप जो फोटोग्राफी पढ़ रहे हो डिजिटल वाली वो नहीं है कि भैया हम तो सेल्फी खींच लेते हैं, चीज वो वाली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप वो वाली सोचोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। हम तो पुरानी वाली पढ़ रहे हैं जिसमें रिएजेंट यूज़ किए जाते थे सिंपल, तो उसका एक कॉन्सेप्ट होता था अगर याद हो तो। आप पहले मार्केट में जाते थे, वहाँ से रील खरीदते थे, रील आपके आती थी प्लास्टिक के बॉक्स में, उसको हम कैमरे में फिट करते थे, कैमरे में फिट करके फिर हम इससे क्लिक करते थे, और फिर क्लिक करने के बाद आपके जो है वो फोटो खींचता था, वापस आता था, वो फोटो वापस निकालते थे रील को, रील मतलब बॉक्स को, प्लास्टिक के बॉक्स को, वो प्लास्टिक का बॉक्स निकाल कर जाके हम किसको दे देते थे, जहाँ पर हमारा फोटोग्राफी का फोटो बनेगा, ठीक है, यानी कि फोटोग्राफर को। फिर वहाँ से फोटोग्राफर कहता था कि 10 दिन बाद आना, 5 दिन बाद आना, फिर हम जाते थे 5 दिन बाद, वहाँ से एक फ़ोटो लेके आते थे, फोटो लेके आके देखते थे, बड़े खुश होते थे, दूसरा फोटो देखते थे बड़े उदास हो जाते थे क्योंकि मुंडी काट दी किसी ने ये काट दिया। याद आया? ये वो वाली बात कर रहे हैं। तो यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिपरेशन ऑफ फिल्म जो आप मार्केट से लेके आते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ फिल्म की बात कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन ऑफ फिल्म में कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये AGBR था, तो ये AGBR डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट यूज़ करते तो वहाँ पर फोटो सेंसिटिविटी है तो खट से रिएक्ट हो जाएगा, और रिएक्ट होकर के क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा ये, तो इसको बनाना पड़ता है। तो बनाने के लिए सबसे पहले लेते हैं अमोनियम ब्रोमाइड और सिल्वर नाइट्रेट, इन दोनों की रिएक्शन कराई जाती है, ठीक है, अंधेरे कमरे में सब कुछ हो रहा है ताकि ये सिल्वर रिएक्ट नहीं करे, और रिएक्ट करने के बाद ये बनेगा AGBR, और साथ में बन जाएगा ये NH4NO3। अब ये जो AGBR लिया अपन ने, इस AGBR की रिएक्शन होगी। क्या बोला जल्दी बताओ? ये जो AGBR लिया, इस AGBR की रिएक्शन होगी, और AGBR की रिएक्शन होके, ठीक है, उसके अंदर हम डाल देंगे सबसे पहले क्या, डाई, कुछ डाई डालते हैं और जिलेटिन डालते हैं, जिलेटिन मतलब एनिमल प्लाज्मा, ये जिलेटिन डाल के एक पेस्ट बना लेते हैं, ठीक है, और ये जो पेस्ट बनाएंगे इस पेस्ट को कोटेड करेंगे हम ये पेस्ट हो गया, इस पेस्ट को लेके कोटेड करेंगे हम, ठीक है, ये पेस्ट बनने के बाद इस पेस्ट की कोटिंग करेंगे हम किस पर, ग्लास शीट या सेलुलोज स्ट्रिप्ट पर, ग्लास शीट या सेलुलोज स्ट्रिप्ट पर इसकी कोटिंग करके ड्राई एंड डार्क, यानी कि अंधेरे कमरे में सुखा देंगे। अंधेरे कमरे में सुखाने के बाद जो हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा बताओ, फिल्म, ठीक है, उस फिल्म पर आपके AGBR आ गया ये। इसके बाद ये फिल्म को प्लास्टिक के बॉक्स में बंद कर देंगे, प्लास्टिक के बॉक्स में बंद करके फिर हम इसको मार्केट में बेचने जाएंगे। जब मार्केट में बेचने जाएंगे तो प्लास्टिक के बॉक्स में बंद हो चुकी, बंद होने के बाद फिर हम वापस लेकर आएंगे, वापस लाएंगे खरीद के, तो खरीद के जब लाएंगे तो सेकंड स्टेप हम करने वाले हैं वो है एक्सपोजर टू द लाइट। तो ये एक्सपोजर टू द लाइट आएगा,
एक्सपोजर टू द लाइट जो होगा, वो एक्सपोजर टू द लाइट में क्या होगा, आप लाइट की प्रेजेंस में रखेंगे, मतलब सुनना ध्यान से, आप एक ऑब्जेक्ट डिसाइड करेंगे, ऑब्जेक्ट मतलब इसकी फोटो खींचनी है। मान लो आपने, ये एक फिल्म है और आपने एक ऑब्जेक्ट डिसाइड कर लिया, तो सबसे पहले आपने वो कैमरे की रील जो है उसको कैमरे में फिट किया, फोटो फ्रेम जिसको फोटो खींचनी थी सेलेक्ट किया और क्लिक किया, क्लिक चीज, तो यहाँ से फ्लैश जाएगा और लाइट वापस आएगी, तो किसी से टकरा के वापस आएगी। अभी ये चारों तरफ AGBR है, इस पर अभी चारों तरफ क्या है, ये AGBR है। अब ये जो AGBR है, इस AGBR में आप सोचो क्या हुआ है, ये देखो आप क्या हुआ है, एक आदमी की फोटो आई है, यानी कि जहां जहां AGBR था वहां वहां लाइट आई और वहां से आपके क्या हट गया, AGBR, और ये AGBR टूट करके किसमें आ गया, AG+BR2 में। ठीक है, ये आपके आगे। अब लेकिन एक प्रॉब्लम है कि जब आप लाइट, ये फ्लैश जो आएगा तो हर जगह से इक्वल नहीं आता, हर जगह से इक्वल नहीं आता, यानी कुछ जगह से आएगा कुछ जगह से नहीं आएगा, तो कुछ जगह जहां से लाइट कम आ रही होगी वहां से ये AGBR टूटेगा नहीं, बल्कि ये एक्टिवेटेड AGBR में आ जाएगा, टूटेगा नहीं बल्कि किस में आ जाएगा, एक्टिवेटेड AGBR में। ठीक है, तो यहाँ जो आपका दिख रहा है ये एक्टिवेटेड AGBR है, इसको रेड से बना देते हैं ताकि फील आती है एक्टिवेटेड AGBR, मतलब ये AGBR अभी AG में कन्वर्ट नहीं हुआ, दिस इज एक्टिवेटेड AGBR। तो हमारे पास यहाँ पर दो AGBR है, एक आपका एक्टिवेटेड AGBR है और एक आपका सिल्वर टूट गया, तो जो एक्टिवेटेड AGBR है अभी दिक्कत है, ठीक है, उसको AG में कन्वर्ट करना। और ये जो वाइट वाइट दिख रहा है, ये वाइट वाइट जो दिख रहा है इसे, ये अनरिएक्टेड AGBR है, ये इसको कहते हैं अनरिएक्टेड AGBR, क्योंकि ये रिएक्ट ही नहीं किया था। तो इस अनरिएक्टेड AGBR को हटाने के लिए, ठीक है, अन रिएक्टेड AGBR को हटाने के लिए इसकी रिएक्शन थायोसल्फेट से की जाती है। तो ये जो थायोसल्फेट है इससे ये AGBR रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके ये आपका रिएक्शन होती है, रिएक्शन होकर के ये आपका Na2S2O3 2 -3 बनाता है सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। इससे अनरिएक्टेड AGBR हट गया, ये अनरिएक्टेड AGBR हटने के बाद भी अभी भी ये एक्टिवेटेड AGBR है, यानी कि अभी भी आप फिल्म को धूप में नहीं निकाल सकते, अगर आपने फिल्म को धूप में निकाला तो लाइट पड़ेगी ख़राब हो जाएगी। तो अभी क्या करना पड़ेगा, इसको उठा के सीधा हम जाके दे देते हैं फोटोग्राफर को। तो फोटोग्राफर को देने के बाद वो क्या करेगा, अब डेवलपिंग, डेवलपिंग में क्या करता है वो, उसको कौन सा AGBR हटाना है, एक्टिवेटेड AGBR, तो इसका मतलब उसको AGBR को AG में लेना है, मतलब प्लस को जीरो पे लाना है, तो उसको एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट आपका लिया जाएगा। ठीक है, तो ये AGBR है और ये कौन सा है, एक्टिवेटेड, ACT लिख दिया मैंने शॉर्ट में, चलेगा, पूरा लिख दो सर, तो ये एक्टिवेटेड AGBR हो गया। अब इस एक्टिवेटेड AGBR की जब रिएक्शन कराई जाएगी, क्या बोला जल्दी बताओ, एक्टिवेटेड AGBR की रिएक्शन कराई जाएगी किससे, जो इसको उधर ले जाए। ठीक है, तो इसके लिए लिया जाता है ये क्विनोल, ठीक है, और एसिड रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, देखो ये आपका AG+ से तो बनेगा AG और ये बनेगा आपका ऑक्सीडाइज होकर के क्विनोल प्लस AGBR। इसकी जगह एक और ले सकते हैं हम, डेवलपर कहा जाएगा इसे, KFeC2O4 2, ठीक है, तो K2 ये रिएक्ट करेगा इससे तो बनेगा यहाँ पर ये के, ये ऑक्सलेट बन जाएगा ऑक्सीडाइज होकर के, ठीक है, और साथ में KBr+Ag, आप देख सकते हो रिडक्शन हो गया यहाँ पे इसका प्लस का, ये AG बन गया। तो ये जो पीछे वाली स्लाइड आप देख सकते हो, ये यहाँ पर ये एक्टिवेटेड AGBR भी AG बन गया, इसका मतलब ये पूरी फोटो जो इमेज थी वो इस वो आ गई है,
प्लस साथ में यहाँ से जो AGBR है वो हटा दिया है, तो यहाँ से AGBR भी हट गया और सिर्फ AG बन गया, यानी कि ये कहलाती है नेगेटिव। इस नेगेटिव को ले जाकर आप धूप में देख सकते हो ऐसे, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको भूत जैसा दिखता है और वो इमेज स्टेबल हो जाती है। तो इस स्टेप के बाद इमेज स्टेबल हो जाती है। सवाल यही पूछे जाते हैं, क्विनॉल, ठीक है, क्विनॉन और ये आपका ये सब डेवलपर में कौन यूज़ किए जाते हैं, तो ये डेवलपर में यूज़ किए जाते हैं, दोनों माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट हैं। ये कैसे हैं, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपसे पूछेगा कि डेवलपिंग में कौन यूज किया जाता है। इसके बाद क्या होता है, प्रिंट ऑन पेपर, क्या करेंगे, प्रिंट ऑन पेपर। तो अब कुछ नहीं, जैसे जेरोक्स मशीन होती है उसमें आप ओरिजिनल रखते हो, नीचे एक पेपर रखते हो, वैसे के वैसे नेगेटिव रख देंगे, एक नीचे फोटोग्राफिक पेपर रखेंगे, मैकेनिकल लाइट आएगी और वो फोटो उस पर आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी फोटोग्राफी हो जाती है। अब इस फोटोग्राफी के अंदर जब प्रिंट ऑन पेपर हो जाता है तो उसके बाद एक नई और टेक्निक आती है, इसका नाम है टोनिंग। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि टोनिंग क्या होती है। तो क्या होता था कि पहले के ज़माने में जैसे राजा महाराजा होते थे, तो जो राजा महाराजा होते थे उनका फोटो क्या अच्छा होता था, एक दिखता था कि ये राजा का फोटो है। तो राजा महाराजा के फोटो में क्या खास बात होती थी वो बताता हूँ। जैसे मान लो ये एक ऑर्डिनरी फोटो दिख रहा है, और इसने बोल दिया कि मैं तो राजा था, कौन मानेगा इसको राजा, इसकी शक्ल देख के लग रहा है राजा का है नहीं। तो राजा का फोटो अगर होगा तो ऐसे होता है जैसे उसने गोल्ड पहना हुआ हो, कानों में सोना हो, मुकुट हो, यहाँ पर आपके बंद हो, ऐसे करके खड़ा हो पोज देकर, गोल्ड ही गोल्ड आपके चारों तरफ दिख रहा हो, आया ना पक्का, तो उसे कहा जाता था राजा। सिंपल है, हाँ या ना। तो टोनिंग होती थी, और टोनिंग में फोटो में अंदर राजा ने जहां जहां गोल्ड पहना वहां सच में गोल्ड दिखता था। कैसे देखना जरा, जैसे ये फोटो है, इस फोटो में जहां जहां राजा ने, ध्यान से देखना भाई, जहां जहां राजा ने गोल्ड पहना होता था वहां सिल्वर की कोटिंग कर देते थे ऐसे, और इस फोटो को उठा के सीधा AuCl3 सॉल्यूशन में डालते थे। तो ये AuCl3 सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, देखो Au नीचे आएगा, Ag ऊपर आएगा, तो ये तुरंत इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो ये Au आ जाएगा। आप देखो जहां जहां Ag था वहां वहां इसको डालने पर Au आ गया, तो ओरिजिनल में वापस क्या हो जाएगा, जहां जहां गोल्ड पहना हुआ था वहीं वहीं आप देखो गोल्ड जम गया, यानी कि जब फोटो था उस फोटो के अंदर वाकई में ओरिजिनलिटी आ गई और वहीं पर आपका गोल्ड आ गया। तो सोना एक्चुअल में दिख रहा है तो इसका मतलब आप देखोगे राजा का फोटो का, क्योंकि कॉमन आदमी तो करेगा नहीं है, तो पैसे ही नहीं होते इतने, तो ठीक है। तो आपसे पूछता है कि ग्रे और गोल्डन टिंट, टिंट इसको कहते हैं टिंट, टिंट मतलब प्रभाव, ठीक है, इम्पार्ट ऑन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ फोटोग्राफ बाय यूजिंग, देखो पहले लिखा है ग्रे, प्लेटिनम, आपको याद है प्लेटिनम भी बड़ा कॉस्टली होता है, K2PTCl6 और गोल्ड AuCl3 रेस्पेक्टिवली। तो ग्रे और गोल्डन टिंट इम्पार्ट ऑन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ फोटोग्राफ बाय यूजिंग K2PTCl6 और AuCl3 रेस्पेक्टिवली, यानी कि अगर स्पेसिफिक पार्ट पर आपको कोई प्रभाव डालना है तो अगर गोल्डन डालना है तो AuCl3 यूज़ करना, और ग्रे डालना है तो आप प्लेटिनम यूज़ करना। ये सवाल आते हैं कि टोनिंग में कौन सा रिएजेंट यूज़ होता है, तो AuCl3, ठीक है। तो आई होप आपको आज सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप अगर और इस तरह के टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं जो वी के, तो मुझे बताइए, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। मैं आपका अपना प्यारा विजय सर, मेंटर ऑफ थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स, जेई एडवांस टॉपर्स, AIR 1, 2, 3, 6, 8, 10, IPHO गोल्ड मेडलिस्ट क्षितिज गर्ग, सिल्वर मेडलिस्ट शार्विक मित्तल एंड आयुष कदम, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट कुशल बाबिल,
ये सारा गाइडेंस आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। ये जो अब चैनल होगा 28 अगस्त के बाद डेडिकेटेडली वो 2023 2024 के बच्चों के लिए और आने वाले जो 8, 9, 10th में फाउंडेशन के बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत एग्रेसिवली बहुत सारे सरप्राइजेस बहुत सारी एक्साइटमेंट लेकर आने वाला हूं मैं। लेकिन आपसे कुछ चाहता हूं, आपको इसे सब्सक्राइब करना है और शेयर प्लस लाइक्स। जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ता जाएगा ये चैनल उतना ग्रो करेगा उसके लिए आप, और उतना ही क्वालिटी ऑफ कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। बहुत सारे स्ट्रेटजी सेशंस होने वाले हैं, बहुत सारा मोटिवेशन होने वाला है, बहुत सारा गाइडेंस, बहुत सारी मेंटरशिप, बहुत सारी प्रैक्टिस सेशंस, बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपको हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मिलने वाले होंगे। जितने बच्चे होंगे उनकी खोज इस एक चैनल पर आकर रुक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ प्रॉब्लम होती है कि हम बहुत सारा कंटेंट ढूंढते रहते हैं बट हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता कि आखिर कौन सा कंटेंट सही है, क्या ये कंटेंट मेरे लिए सफिशिएंट है, क्या मैं इसको फॉलो करूं, क्या मैं इस पर रिलाई कर सकता हूं, क्या मैं इससे सेलेक्ट हो सकता हूं। जी हाँ दोस्तों, इससे आप सेलेक्ट भी हो सकते हैं, इस पर आप रिलाई भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक। फिर से एक बार आपके लिए नेक्स्ट सेशन की तैयारी करने जा रहा हूँ मैं।